दोस्तों फेसबुक में बहुत सारे सेटिंग है, लेकिन इसमें से आपको एक सेटिंग मिल जाता है कि रिएक्शन परफॉर्मेंस। तो इसका क्या काम है और क्या फ़ायदा है वो सारा कुछ मैं बताऊंगा वीडियो के एंड तक बने रहना। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और कमेंट पर बताना कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इधर देख सकते हो कि रिएक्शन एंड परफॉर्मेंस, जो आप फेसबुक ओपन करते हो तो फेसबुक ओपन करने के बाद 3 डॉट पर जाने के बाद सेटिंग पर जाओगे, तो उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाओगे तो इधर जो कि रिएक्शन परफॉर्मेंस मिल जाता है, इसको जैसे आप ऑन करोगे तो इसके अंदर 2 सेटिंग मिल जाते हैं। ऊपर लिखा होगा इधर देख सकते हो रिएक्शन परफॉर्मेंस, उसके बाद इधर लिखा है कि हाइट नंबर फ्रॉम रिएक्शन, और दोनों ऑप्शन दिया है। फर्स्ट जो ऑप्शन है इधर देख सकते हो ऑन पोस्ट फॉर्म अदर्स, मतलब ये अगर ऑन करते हो तो अदर्स फोन अदर्स पोस्ट्स में, जैसे कि आपके फ्रेंड वगैरह कोई भी अगर पोस्ट करते हैं उसके नीचे ठीक रिएक्शन का नंबर दे देता है इसके नीचे कि जो कि 100 या 150 या 200 या 20 जो लोगों ने लाइक कमेंट किया और लाइव रिएक्ट इतना लोगों ने दिया, और जो कि इमोजी इस प्रकार से जो देते हैं वो अगर हाइड हो जाएगा। अगर आप इसे ऑन करके रखते हो तो जो भी जिसका पोस्ट में जितनी सारे जो रिएक्शन का नंबर नीचे मिलता है वो कितना लोगों ने रिएक्शन दिया है वो आप नहीं देख सकते हो, ठीक है, नहीं देख पाओगे, ठीक है। और ठीक नीचे अगर आप क्लिक करते हो, ये अगर ऑन करते हो तो आपके पोस्ट में कोई रिएक्शन का नंबर कितना लोगों ने जो कि आपका रिएक्शन दिया है वो किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई नहीं देख पाएगा कि आपके फोटो में कितना रिएक्शन आया है और कितना लोगों ने लाइक कमेंट लाइक किया है वो कोई नहीं देख पाएगा। ऊपर का ऑप्शन ऑन करते हो तो किसी और का रिएक्शन नंबर नहीं देख सकते, और नीचे का ऑप्शन है कि आपका जो पोस्ट का रिएक्शन कोई नहीं देख पाएगा, और ऊपर का किसी और का पोस्ट का रिएक्शन नंबर कोई नहीं देख पाएगा, ये हाइड हो जाएगा। तो ये था इसका सेटिंग, तो आई होप कि आप लोग समझ गए। वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास जो बेल आइकन है उसे ऑल पे क्लिक कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद।